हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुपिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने आज एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि फ्री जॉब। देखिए, फ्री जॉब की वीडियो सब बनाते हैं, मैं थोड़ी मेरी वीडियो थोड़ी उससे अलग रहेगी। उसका रीज़न ये है कि आप में से 80% लोग, 80% के 90% लोगों का यही क्वेश्चन होता है। वो मुझे कहते हैं कि भाई, हमने वीडियो सॉरी हम अपनी CV अपलोड करते हैं, अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं और हम अपना सारा एफर्ट डाल रहे हैं, बट हमें वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा। रिप्लाई आ जाता है, इंटरव्यू देके जवाब नहीं दे रहे। तो वो फ्री जॉब क्या है, क्या सच्चाई है इसकी, होता भी है कि नहीं, कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी और कंट्री का देखें, ये लोगों का मेन क्वेश्चन रहता है। तो चलो हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, फ्री जॉब का देखो ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, फ्री जॉब देखिए आज से अगर आप 1 साल पहले की बात करें ना, तो मिलती थी, बहुत इतना मुश्किल नहीं था, मिल जाती थी, मतलब बंदा करता था। अब आप में से अगर कोई लड़का जैसे वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, स्पेसिफिक है, जैसे वहाँ गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत है ना, आप IT की इंडस्ट्री बहुत है, आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा। अगर आप सोचो कि आपका क्लीनर का, डिलीवरी ड्राइवर का या ये फ्री हो जाए, तो मुश्किल है। उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्यों। देखिए, जब कोई, जब तक उनको नीड नहीं होगी एक जॉब, समझो एक जॉब उन्होंने निकाली IT की, है ना, और समझो हम क्लीनर, आसान भाषा में समझाता हूँ, क्लीनर की निकाली है ना, क्लीनर की निकाली और वहाँ क्लीनिंग की कोई जॉब करने वाला है नहीं या अवेलेबल नहीं है क्लीनर्स, तो फिर वो क्या, उनको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इंडिया से बुलाना पड़ेगा या कहीं से ही बुलाना पड़ेगा, एशिया से बुला रहे हैं, किसी को भी बुला रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसका पैसा भी खुद लगाएंगे, उसकी आइडेंटिटी की फीस भी खुद भरेंगे, उसका सब कुछ वो खुद करेंगे कि वो बस ये आके यहाँ काम करें। बट अब तो आपको पता है ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा वीज़े आए हैं ना, 15 से 18 हज़ार तो वीज़े आए हैं, मतलब मेरे को लगता है 30,000 वीज़ा ऑल ओवर एशिया से निकला है ना। तो आपको लगता है कि वो आपको क्लीनर और डिलीवरी की जैसी जॉब के लिए आपको बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे ना। तो वो मोस्ट ऑफ दी लोग उसी चीज़ में अप्लाई करते हैं, तो इसलिए उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, कुछ लड़के फ्री में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कोई स्पेसिफिकेशन, जैसे IT गेमिंग इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, तो आपका हो सकता है ना उसमें, तो मैं नहीं कहता। या किसी, कोई आपके स्किल है, कुछ ऐसी स्किल है जैसे ऑटो टेक्नीशियन हो या कुछ हो, तो फिर यार, या मोबाइल लिफ्ट चलाते हो या मोबाइल क्रेन चलाते हो या कुछ भी आप ऐसा करते हो, तो हो सकता है ना। बट आप डिलीवरी, क्लीनर, होटल की जॉब्स के लिए आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से मुश्किल है ना। अब आप कहोगे कि भैया दो तो ऑप्शन क्या हमारे पास, दो दूसरा ऑप्शन बताओ आप। देखिए, दूसरा ऑप्शन से पहले, जाने से पहले, मैं आज सच में, मेरे को किसी ने एक लिंक भेजा और मैं बड़ा दुखी हुआ वो देख के ना, कि एक यूट्यूबर है, मैं उनको बहुत बढ़िया समझता था और मैं उनको फॉलो भी करता था शुरू से ही, पर उन्होंने जो आज वीडियो डाली, उसने मेरा, मतलब मेरे को हिला के रख दिया। हिला के कैसे रख दिया, कि वो कह रहे हैं कि ये एजेंट है, इससे अप्लाई करो, ये बहुत एजेंट है, ये माल्टा से रजिस्टर्ड है। देखिए, माल्टा से कोई, दुनिया का कोई एजेंट रजिस्टर नहीं है, क्योंकि माल्टा ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन देती नहीं है किसी एजेंट को, ठीक है। और ये कोई कैनेडा थोड़ा कि एक रजिस्ट्रेशन मिलेगी, नहीं, कोई माल्टा से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो वो 8-8 लाख रुपये मांगते हैं लोग, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, देखिए उससे आधे में ही काम होता है, उसका जेन्युइन प्राइस उससे आधा है, ठीक है ना। तो वो अपने 50,000 या लाख रुपए लेने के लिए किसी के 8 लाख लगवा देंगे ना। तो ये मुझे बड़ा अपसेट करी ये चीज़ें, कि यार ये कैसे कोई लोग किसी अपने 50,000 के लिए किसी के 8 लाख लगवाने के लिए मंजूर है। तो मैं ऐसा कहूँगा, कैसे किसी की वीडियो देख के मत अप्लाई करें किसी के पास। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास अप्लाई करें, आप मत करें, आपको जहाँ जिसका जेन्युइन रेट है, मैंने आपको एक वो बता दिया कि इतना इसका जेन्युइन रेट है ना किसी भी जॉब का, बाकी आपकी मर्जी है ना, ठीक है। मैं ये, अब आप कहोगे भैया आप तो हर यूट्यूबर में कमी निकालते हो, आप खुद भी तो यूट्यूबर। देखिए, मैं कमी नहीं निकाल रहा, पर मुझे जो सही लग रहा है, मैं खुद अपने मुंह से तो बोल रहा हूँ कि मैं उसको फॉलो करता था, अच्छा यूट्यूबर था, पर उसने वो बात कर दी अपने 50,000 की, भाई इसके पास अप्लाई करो, ये बहुत अच्छा एजेंट है, इंडिया में है, यहाँ से है, अमृतसर से, जहाँ से भी है, तो दैट इज़ नॉट गुड, राइट, ठीक है। और दूसरी बात प्रॉब्लम ये है, मेरी एक बार उनसे बात भी हुई है व्हाट्सअप में, 1 साल पहले ना, तो मुझे समझ नहीं आया वो बंदा, अब तो मेरे को, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। मैं ये नहीं कह रहा सारे यूट्यूबर बेकार है, ऐसा नहीं है सारे यूट्यूबर बेकार है। देखिए, वो बंदा बढ़िया है जो एक यूरो ड्रीम्स वाला, अच्छी बात बताता है वो,
फिर स्टोरी बाय हरीश करके एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर एक दो और हैं जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। पर ये इनके साथ ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और गलत है भाई ये। 8 लाख का कोई काम नहीं है ये, इतने पैसे नहीं लगते इसमें, और ना ही आप किसी को दो। आप दे रहे हो तो फिर आप ही गलत कर रहे हो। आप पहले ये सोचो कि आप वहाँ पूरे कैसे करोगे, क्योंकि वहाँ शुरू में आपको जाके कम से कम 3 से 4 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें जॉब सैलरी भी कम होती है, मतलब आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसा ना करें, है ना। और बाकी देखिए, आप फ्री जॉब की आप ट्राई करते रहें, हो जाए तो अच्छी बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, किसी की हो जाए, उसको आगे नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब मेन मेन मुद्दों पे आ जाते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट्स का क्या चल रहा है। देखिए, अपॉइंटमेंट CVU दे रही है, बट माल्टा एम्बेसी या माल्टा VFS इंडिया ये कह रही है कि आपके पास चाहे CVU की अपॉइंटमेंट हो, पर हमें आपको यहाँ अपॉइंटमेंट आपकी हमारे साथ बुक होनी चाहिए, जो कि वो दे नहीं रहे। मुझे समझ से बाहर है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट्स खुलेगी, आप देखते रहे, है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर बता रहा हूँ, लोग कहते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, पर वो आपकी कमी की वजह से हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि पहले वो शायद नहीं देखते थे, इतना नहीं देखते थे। अब लोग इतने अप्लाई कर रहे हैं, वो हर हर चीज़ देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ, वीज़ा 3 चीज़ों पर आता है, देखिए किस पे, डॉक्यूमेंट, आपकी प्रेपरेशन और तू थोड़ा बहुत लक, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट अच्छे बनाए, जेन्युइन दे, आइटनरी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए, कवर लेटर सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है। कैसे हो रहे हो, कब से कब लगा रहे हो इंश्योरेंस, ये भी बड़ा मैटर करता है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर कल आप उनका उनसे आपका इंटरव्यू आ गया तो आप रेडी रहो, उनको हर क्वेश्चन का आंसर दो और सेटिस्फाई करो। तो और तीसरी चीज़ लक है ना। तो ये अगर वीज़ा, अगर आपकी इन चीज़ों में सही हो तो मुझे नहीं लगता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। क्योंकि अगर वो अप्रूवल लेटर दे रहे हैं, माल्टा आइडेंटिटी अप्रूवल लेटर दे रही है, वो चाह रही है कि आप यहाँ आए, है ना। पर अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो वीज़ा ऑफिसर आपको कभी वीज़ा नहीं देगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, और ईमेल का मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, मैं दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सबकी ईमेल्स का जवाब दूंगा। और बाकी आप देख लें, कोई क्वेश्चन है मुझे ईमेल करिए, ईमेल डिस्क्रिप्शन में होती है हमेशा, और मुझे मैं आपसे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिसने डिलीवरी के लिए अप्लाई करना है कर सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे पास करे, किसी के पास भी करे, हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।